ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जब से हम बाबा के बनते हैं तब से लेकर के हर एक के अंदर ये एक इच्छा बनी रहती है कि हम बाबा के साथ इतना योग लगाए, हम बाबा को इतना याद करें कि बस बाबा मय हो जाए, या हम बाबा की याद में लवलीन हो जाए। हर एक के अंदर ये तीव्र इच्छा बनी रहती है। तो ऐसे योग की गहराई का अनुभव करने के लिए हमें किन बातों के ऊपर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि हम सबका अनुभव क्या कहता है, जब योग में बैठते हैं अनुभव क्या कहता है, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। तो योग का गहराई से अनुभव करें उसके लिए किन बातों की धारणा कहो आवश्यक है, ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो योग माना, जो हम कहते हैं जोड़, योग माना यात्रा, योग माना याद, योग माना अग्नि, योग माना संबंध, अलग अलग नाम देते हैं। और उसी रीति से फिर हम समझाते हैं वे यात्रा अर्थात ये हमारी रूहानी यात्रा है, अग्नि अर्थात जिसमें हमारे आत्मा के पाप कर्म भस्म होते हैं, संबंध। तो अगर हम योग की गहराई का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें उसको संबंध के रूप में देखना है, क्योंकि संबंध नेचुरल होता है। तो हम जैसे शिविर में भी सुनाते हैं कि भगवान के साथ हमारे संबंध कौन से हैं, और हम कहते हैं सर्व संबंधों का अनुभव करना। तो जब हम योग को संबंध के रूप में देखेंगे और संबंध नेचुरल होते हैं, तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हमें बाबा की याद सहज आए। तो जब संबंध को छोड़ेंगे कि बाबा ही मेरा सर्वस्व है, जैसे बाबा रोज मुरली के अंदर कहते हैं देह और देह के संबंधों को बोलो। अभी अभी बाबा ने क्या कहा, देह अभिमान की याद होंगी तो क्या होगा और देह ही अभिमानी होंगे तो क्या होगा, ना दोनों का कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बता दिया। तो उस रीति से योग का गहराई से अनुभव करना है तो संबंध,